हेलो दोस्तों, मैं सोनिका। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर लड़की आपसे ये बातें करने लगे तो उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। क्योंकि दोस्तों, लड़कियां लड़कों की तरह इतनी ओपन नहीं होती हैं। वो लड़कों की तरह कभी भी अपनी फीलिंग्स बोलकर नहीं बताती हैं, पर वो अपनी बातों में या अपनी बात करने के तरीके से लड़कियों को ये ज़रूर बताने की कोशिश करती हैं कि वो उन्हें पसंद करती हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो अगर लड़की आपसे करती है, ठीक है, जब भी वो आपसे बात कर रही है तो आपको लगता है कि हाँ, लड़की ऐसी बातें कर रही है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, वो आपको पसंद करने लगी है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो बेल आइकन करने से ज़रूर दबा लीजिए जिससे जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है कि अगर लड़की आपसे बातों ही बातों में ये सवाल करे कि आप कहाँ रह गए थे, तुम क्यों नहीं आए, कॉल क्यों नहीं रिसीव करी, कब से वेट कर रही थी, इस तरीके के सवाल अगर आपसे करती है या ऐसी बातें आपको बोलती हैं किसी वजह से आप उससे मिल नहीं पा रहे हो, तो इस तरीके की अगर बातें आपसे कर रही है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसके दिल में आपके लिए फीलिंग ज़रूर है। क्योंकि दोस्तों, ये लड़कियों का नेचर होता है कि लड़कियां कभी भी वेट करना पसंद नहीं करती हैं, हमेशा वो वेट करवाना पसंद करती हैं। बट अगर लड़की आपके लिए वेट करती है, आपके कॉल का, आपसे मिलने का या आपका इंतज़ार करती है, तो उससे आपको समझना चाहिए कि वो आपको कहीं ना कहीं पसंद ज़रूर करने लगी है। इसके अलावा अगला है कि जब भी लड़की आपसे बात करे या आपसे मिले या वो कोई नई ड्रेस पहन के आए, तो उस टाइम पे अगर वो आपसे पूछे कि वो कैसी लग रही है या ये ड्रेस उस पर किस तरीके से अच्छी लग रही है या अगर वो इस कलर के कपड़े पहनती है तो वो कैसी लगेगी, ठीक है, वो आपको किस रंग में ज़्यादा अच्छी लगती है, किस रंग के कपड़ों में ज़्यादा अच्छी लगती है, इस तरीके की अगर वो आपसे बातें करती है तो ये भी उस लड़की की तरफ से आपके लिए ग्रीन सिग्नल है कि वो आपको चाहने लगी है। अगला है कि अगर आपको किसी और लड़की से बात करता हुआ देखकर उसकी बातों में आपको ये लगे कि वो जेलस फील कर रही है या आपसे ये बातें बोले कि तुम उस लड़की से बात क्यों कर रहे थे, उससे बात मत करा करो, वो लड़की अच्छी नहीं है, या आपको टोक टोक करे, ठीक है, कि इससे बात मत करो या उससे बात मत करो, तो इस तरीके से भी आपको समझना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं आपको पसंद करने लगी है, उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स आने लगी हैं। नेक्स्ट है कि लड़की की जब भी आपसे बात होती है, चाहे वो चैटिंग के थ्रू हो या डायरेक्ट फेस टू फेस हो, अगर वो आपसे बार बार ये पूछे कि तुम किसी लड़की से बात करते हो या तुम किसी लड़की को पसंद करते हो, इस तरीके की बातें अगर आपसे करती है तो भी ये उस लड़की की तरफ से एक हिंट होता है कि वो आपके बारे में ये जानना चाहती है कि आप रिलेशनशिप में हो या नहीं। तो एक तरह से उसे ये पता चल जाएगा कि हाँ, आप अभी सिंगल हो, जिसकी वजह से उसके चांस ज़्यादा होंगे आपकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। इस वजह से वो आपसे ये बातें करके अपने आप को खुद को क्लियर करना चाहती है कि आप अभी सिंगल हो। तो ये भी एक लड़की की तरफ से एक साइन होता है कि वो आपको पसंद करने लगी है। अगला जो है कि जब भी लड़की आपसे बात करती है या आपसे मिलती है तो उस टाइम पे अगर वो आपकी पसंद जानने की कोशिश करे कि तुम किस लड़की के, किस टाइप की लड़की के साथ रिलेशनशिप करोगे या तुम्हें कैसी लड़कियाँ अच्छी लगती हैं, ठीक है, इस तरीके से अगर वो बातें करती है तो ये भी लड़की की तरफ से एक साइन होता है, एक हिंट होता है कि वो कहीं ना कहीं आपको पसंद करने लगी है। क्योंकि लड़कियां डायरेक्ट नहीं बोलती हैं, पर इस तरीके की बातें करके उनकी तरफ से आप समझ सकते हो कि वो आप में इंटरेस्टेड हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि लड़की आपसे ये बातें करती है तो कहीं ना कहीं वो आपको पसंद करने लगी है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।